हमारे साथ अखिलेश यादव है। अखिलेश, एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अब आगे का रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है जो बात पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां कह रही है? समाजवादी पार्टी की मांग है और इस बात भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में भरोसा बढ़ाने के लिए, और ये दावा जब करते हैं कि दमदार सरकार है, अगर दमदार सरकार है तो आखिरकार गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है कि जिनका नाम है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, केवल उनके लिए दमदार सरकार है? जो गाड़ी चढ़ा सकते हैं किसी के ऊपर, क्या दमदार इसलिए सरकार है? न्याय मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। बीजेपी के मंत्री ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उनकी इस्तीफे की पेशकश किसी ने नहीं की है, मांगा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि हमने नौकरी दी, हमने मुआवजा दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी है वो टूरिज्म कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि चुनाव है। कोई पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं कर रहा है। जिस दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है। जहाँ कहीं भी किसानों के साथ अगर ऐसी घटना हुई है, समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी दिखाई दी है। जहाँ तक सवाल लखीमपुर का है, अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उन्हें बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली और यूपी में उन्हीं की सरकार है, और अगर वो अखबारों में ये छापते हैं कि दमदार सरकार है, तो कम से कम दमदार सरकार को ताकतवर जो हैं, जिनका वीडियो वायरल है, जिन्होंने कहा कि हम सांसद बाद में हैं, मंत्री बाद में हैं, हम कुछ और हैं, तो क्यों धमका रहे हैं लोगों को? तो जिसका अहंकार इतना बड़ा हो वो दमदार सरकार नहीं हो सकती है। गरीब को अगर न्याय मिलेगा तो दमदार सरकार है, प्रधानमंत्री दमदार है। तो ये अखिलेश यादव है और कह रहे हैं कि बीजेपी दमदार सरकार नहीं है बल्कि कमजोर सरकार है, और न्याय की मांग जारी रखी गई। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24, दिल्ली।